नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अभोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, क्योंकि बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु 12 वर्ष बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु केतु 18 वर्ष बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में वृषभ राशि वालों को वर्ष 2023 में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। साथ ही साथ वर्ष 2022 में सभी क्षेत्रों के बारे में भी बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए, वर्ष 2023 में चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता है और छोटे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही कम होता है, लेकिन जब बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो कुछ बड़ा होता है, विशेष होता है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। तो शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि आपकी पत्रिका के हिसाब से, गोचर कुंडली के हिसाब से आपके कैरियर के क्षेत्र में दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। वही गुरु की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करेंगे, एकादश भाव को छोड़ करके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वही राहु की बात करें तो राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे, राहु मेष राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में मीन राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं, और केतु भी आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। तो राहु, केतु, शनि और गुरु ये चार ग्रह होते हैं बड़े ग्रह, और चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि 17 जनवरी, गुरु 22 अप्रैल को। ऐसे में यदि हम देखें तो 2022 में गुरु की यदि बात करें तो गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में गुरु जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार से गुरु का वो पक्का भाव है, यहां पर गोचर करेंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि ये अष्टम के भी मालिक है। तो विपरीत परिवर्तन में राजयोग बना करके गुरु का गोचर आपके लिए शुभ होगा। गुरु धन देने का काम करेंगे लेकिन खर्चे भी बहुत करवाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म के कामों में सबसे ज्यादा खर्चा करवाएंगे लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेंगे। गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप वर्ष 2023 में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान भी खरीद सकते हैं। बात करें स्वास्थ्य के बारे में तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। वही गुरु की जो सप्तम दृष्टि होगी वो छठे भाव में पड़ेगी, तो कंपटीशन में भी सफलता दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, मामा और मौसी के संबंधों को भी मजबूत करने का काम करेंगे। नवम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में गुरु की नवम दृष्टि होगी। ऐसे में स्वराशि, स्वयं की राशि पर जो है दृष्टि होने से गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी और आध्यात्म के क्षेत्र में आपका मन भी लगेगा, गुण रहस्यों का ज्ञान भी आप अर्जित करेंगे, तो गुरु आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। शनि की बात करें तो शनि भाग्य भाव को छोड़ करके दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में शनि का भी गोचर देखा जाए तो काफी अच्छे परिणाम देते हैं। दशम भाव में सस नामक राजयोग बनाएंगे। 17 जनवरी 2023 से
जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए सस नामक राजयोग बनेगा। ये राजयोग मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है, धन के लिए बहुत अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये कैरियर के भाव में बन रहा है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं, कैरियर आपका मजबूत होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा कार्य कर रहे हो, सभी में आपको लाभ देने का काम शनि करेंगे। शनि स्वराशि के हैं, इस कारण से दृष्टि भी इनकी शुभ होगी, क्योंकि ये राजयोग में भी है। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे, देश विदेश से जुड़े हुए कार्य कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, नौकरी करने जा सकते हो। शनि की सप्तम दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से आपको लाभ होगा, क्योंकि शनि योग कारक भी है। वर्ष 2023 में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान या वाहन कुछ ना कुछ आप जरूर खरीदेंगे। शनि की जो दशम दृष्टि होगी वो आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा वैवाहिक जीवन को लेकर के, विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है, अड़चने पैदा हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, क्योंकि 12वें भाव में गुरु का भी गोचर है तो विवाह के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि 12वें भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं तो विवाह यदि जुड़ भी जाए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4था, 8वां और 12वां गुरु जब भी चलता है तो विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं बनता, इसलिए विवाह के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राहु की बात करें तो राहु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु लाभ भाव में गोचर करेंगे, एकादश भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लाभ देते हैं, कई सारे स्रोत पैदा कर देंगे धन के लिए। राहु की जो दृष्टि होगी पराक्रम भाव में होगी, पंचम दृष्टि, बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम राहु करेंगे। वही राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रेम विवाह में आपको सफलता देखने को मिलेगी, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। राहु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, सप्तम भाव में पड़ेगी, तो ऐसे में यहां पर प्रेम विवाह के जबरदस्त योग बनेंगे, प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए कंप्रोमाइज करना आपको है। केतु की यदि बात करें तो पंचम भाव में केतु विराजमान होंगे, कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम, दोनों ही प्रकार के परिणाम देंगे। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, पेट में गैस हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पथरी हो सकती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो केतु यहां पर कुछ समस्याएं भी पैदा करेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। पंचम दृष्टि केतु की भाग्य भाव में होने से भाग्य में प्रबलता, भाग्य आपका साथ देगा, मजबूत होगा, किस्मत आपकी साथ देने का काम करेगी। वही यदि हम बात करें नवम दृष्टि की तो लगन भाव में भी केतु की दृष्टि रहेगी, जिससे कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास आपका प्रबल रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। तो ये चारों ग्रह आपको लाभ देंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानी रखना है। सावधानी क्या रखना है? खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है और वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपाय आप जरूर करें, बृहस्पति का उपाय यदि आप करेंगे तो बेहद लाभ आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप करें, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो वर्ष 2023 आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है, जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में गुरु रहेंगे और सस नामक राजयोग बनाएंगे आपके शनि। तो दो राजयोग आपके इन दोनों ग्रह से बन रहे हैं और राहु एकादश भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, इस कारण से राहु भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही।
धन्यवाद।